नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सैमसंग के फ़ोन में कॉल वेटिंग कैसे चालू करते हैं, कॉल वेटिंग चालू करने से हमको क्या फ़ायदा है। जब एक दूसरे से हम बात करते रहते हैं उस वक्त में अगर तीसरा बंदा हमारे पास कॉल लगाता है तो उसका कॉल व्यस्त बताता है, बिजी बताता है, जिसे हमको मालूम नहीं चलता है किसका कॉल आया और किसका कॉल नहीं आया। अगर हमारे फ़ोन में कॉल वेटिंग अगर चालू कर देते हैं तो जब कोई तीसरा व्यक्ति हमारे पास कॉल करेगा तो हमको मालूम चल जाएगा। दोस्तों, सैमसंग के फ़ोन में कॉल वेटिंग चालू करने के लिए सबसे पहले डायलर पैड को हम ओपन करेंगे, जिससे हम कॉल लगाते हैं किसी के पास, उसको ओपन कर लेना है तो यहाँ पर आपका कॉल हिस्ट्री पूरा शो कर देगा। उसके बाद में यहाँ 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, 3 लाइन पर क्लिक नहीं करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पर 3 बिंदु का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे नीचे यहाँ पे सेटिंग का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सेटिंग पर आप एक बार क्लिक कीजिएगा, फिर से आपको कुछ नया पेज ओपन होकर चलाएगा। यहाँ पर बहुत ऑप्शन इसमें देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कॉल वेटिंग का ऑप्शन आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, ताकि सबसे ऊपर ही कॉल वेटिंग का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, नीचे की तरफ इसको खींचिएगा, उसके बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सप्लीमेंट्री सर्विस। इस ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए, सप्लीमेंट्री सर्विस, इस पर आप एक बार क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में ये कुछ देर सर्चिंग करेगा, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड ये सर्चिंग करेगा। उसके बाद में यहाँ पर अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट चालू होगा तो डायरेक्ट ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, अगर इंटरनेट डाटा चालू नहीं होगा तो यहाँ पे फेल टू रीड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आप ओके कर दीजिएगा। उसके बाद में इसी में आपको कॉल वेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ सबसे नीचे देखिएगा तो कॉल वेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे देखने को हमको मिल रहा है, लेकिन ये कॉल वेटिंग यहाँ पे बंद है। जब तक इसको हम चालू करके नहीं रखेंगे तो हम एक दूसरे बंदे से अगर बात करते रहेंगे तो अगर तीसरा कोई व्यक्ति हमारे पास कॉल करता है तो उसका कॉल हमारे फ़ोन पे नहीं लग पाएगा, सिर्फ बिजी बताएगा या व्यस्त बताएगा। तो इसको एक बार इस पर आप यहाँ देखिएगा, ये ऑफ का निशान है, इस पर एक बार हम क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे कुछ सेकंड के लिए सर्चिंग करेगा, उसके बाद यहाँ से ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा। अब ये ऑप्शन हमने ऑन कर दिया, अब हमारे फ़ोन पर कोई भी तीसरा व्यक्ति अगर कॉल करता है, हम किसी से अगर बात करते रहते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि किसी का कॉल आ रहा है, तो अगर अर्जेंट कॉल होगा तो उस वक्त हम रिसीव कर लेंगे और पहले वाला व्यक्ति होल्ड पर चला जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।